नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, जो यूटीवी आधारित पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती थी, यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले की जो 40 पदों के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की जो चयन सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। और मैं बता दूं, इन पैरामेडिकल स्टाफ का जो मानदेय है वो NHM के अनुसार इनको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें GNM के जो अभ्यर्थी हैं उनको 7,900 रुपए और LT यानी कि लैब टेक्नीशियन के जो अभ्यर्थी हैं उनको 7,700 रुपए जो निर्धारित मानदेय वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 40 पदों के पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पर जो चयन सूची है वो जारी कर दी है। अपन अब चयन सूची की बात करेंगे, किन किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है, तो आप वीडियो को के साथ अंत तक बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने 29 अक्टूबर 2020 के माध्यम से एक चयन सूची जारी की गई है GNM और लैब टेक्नीशियन, जिसमें लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू में GNM पद हेतु 21 एवं 22 अक्टूबर को उपस्थित अभ्यर्थियों की चयन सूची, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या, टोकन नंबर और दिनांक और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि यहाँ पर दी गई है चयनित अभ्यर्थियों की, जिसमें आप देख सकते हैं टोकन नंबर 7 में 15 81 225 128 3 23 185 126। मैं आपकी स्क्रीन पे ये लिस्ट आपको शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चयनित अभ्यर्थियों की ये सूची है GNM अभ्यर्थियों की, जो यहाँ पर जारी की गई है प्रतापगढ़ CMHO द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 29 अक्टूबर 2020 के माध्यम से ये चयन सूची यहाँ पर जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, GNM की ये चयन सूची है, लगभग 33 पदों पर यहाँ पर 33 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। एक यहाँ पर एक अलग सूची भी यहाँ पर जारी की गई है, जो मैं बता दूं LT ये जो लैब टेक्नीशियन के जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर जो चयन सूची है वो जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की जो चयन सूची है 7 पदों पर उनकी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू हेतु 21 और 22 अक्टूबर को उपस्थित लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों की चयन सूची यहां पर जारी की गई है। टोटल यहां पर 7 अभ्यर्थियों की यह सूची जारी की गई है लैब टेक्नीशियन की। तो दोस्तों, इस प्रकार से टोटल 40 जो पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती थी उनकी यहाँ पर चयन सूची जो है CMHO प्रतापगढ़ ने जारी कर दी है, जिसमें 21 और 22 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू हुआ था इन पदों के लिए, जिसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ में GNM के 33 पद और लैब टेक्नीशियन के 7 पद थे, जिसमें यहां पर टोटल 40 जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनकी यहां पर चयन सूची जारी कर दी गई है। मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप भी आसानी से इस लिस्ट को ध्यान से देखें। और सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, इनका चयन यहाँ पर UTB संविदा आधारित भर्ती 2020 में हुआ है प्रतापगढ़ जिले में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप आसानी से अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको नाम फाइंड करने में आसानी नहीं हो रही, तो आप वीडियो को पॉज करके या आगे पीछे करके भी इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 33 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है GNM में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, जो यहाँ पर सभी सदस्य जो सदस्य हैं, इनके साथ ही जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके हस्ताक्षर इस लिस्ट पे मौजूद है। अब यहाँ पर आपको शो हो रही लैब टेक्नीशियन के पद पर जो 7 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 7 जो लैब टेक्नीशियन हैं और 33 जो GNM के जो अभ्यर्थी हैं उनकी चयन सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर कार्य ग्रहण कर सके और उनको सभी को यहाँ पर पता लग सके कि किन किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की जो प्रतापगढ़ जिले की भर्ती थी उसमें यहाँ पर 40 जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें 33 GNM और 7 लैब टेक्नीशियन का चयन करे चयन सूची जारी कर दी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।